थंबनेल बनाने के लिए यहाँ पे हम पिक्सल ऐप का यूज़ करेंगे। ये मेरे पास पिक्सल ऐप है, आप देख सकते हैं पिक्सल ऐप। इसको आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें, यहाँ आसानी से इंस्टॉल हो जाएगा। पिक्सल ऐप यूज़ करने के बाद यहाँ पे हम इसको इस तरह से आ जाएगा तो ओके कर देंगे। यहाँ पर जो पहले वाला बनाया होगा हमने कोई थंबनेल वो दिख जाएगा। यहाँ पे हम डिफ़ॉल्ट ले लेंगे, डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करके, इमेज साइज पे क्लिक करके यहाँ पे हम साइज देंगे 1280x720। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे यहाँ। और चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे क्या करना है पूरा डिटेल के साथ। सबसे पहले मैं यहाँ से एक बैकग्राउंड लेता हूँ, इस पर क्लिक करेंगे बैकग्राउंड पे। यहाँ पे कलर और इमेज का ऑप्शन था, मैं यहाँ पे इमेज ले लेता हूँ फटाफट। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से इमेज भी आ जाते हैं, लेकिन हम गैलरी से लेना चाहते हैं, यहाँ फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करेंगे तो बस गैलरी में खुल जाएगा। यहाँ पे आप इमेज पे जाके जिस भी फोल्डर में आपका रखा होगा वो फोल्डर खोल के आप वहाँ पे इंसर्ट कर ले। मैं डाउनलोड पे जाता हूँ, डाउनलोड पे मैंने क्लिक किया हुआ है, डाउनलोड पे बहुत सारे फ़ोटोज़ हैं मेरे। ठीक है, मैं यहाँ से उठा लेता हूँ एक, तो ये बैकग्राउंड मुझे सही लगा, ये बैकग्राउंड मैं ले लेता हूँ। यहाँ पर आप देखिए ये टेक्स्ट है, मैंने टेक्स्ट ले रखा है। यहाँ पर मैं बीच वाले पे क्लिक करूँगा इस तरह से, देख सकते हैं आप। यहाँ इम्पोर्ट पर क्लिक करके यहाँ पर फ़ोटो मैं इंसर्ट कर लूँगा। ठीक है, जो कि मैंने इरेज़ करके रखा है, अभी अभी इरेज़ किया है मैंने, इस टाइप का देख सकते हैं। इसको मैं यहाँ पे सेट करके देखता हूँ कैसा दिख रहा है, ये इस तरह से। ठीक है, अब इसको मैं जो है स्ट्रोक दे दूँगा वाइट वाले से स्ट्रोक, देखिए ठीक लग रहा है ये। ठीक है, इसको मैं यहाँ से पीछे वाला मैं थोड़ा खिस कर लेता हूँ और ये इस तरह से, हाँ ये ठीक है। और यहाँ पे मैं एक चीज़ है, यहाँ पे मैं अब क्या करूँगा देखिए, एक जो है सबसे पहले एक मैं फ्रेम लेता हूँ मोबाइल का। ठीक है, तो ये मैंने फ्रेम ले लिया, आप देख सकते हैं ये फ्रेम ले लिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करेंगे, हम एक स्क्रीनशॉट इसमें ऐड करेंगे। चलिए मैं बताता हूँ कैसे करना है। यहाँ पे अब हम टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर मैं एक ये ले लेता हूँ जहाँ से वीडियो अपलोड करते हैं, इसको जो है हम इस तरह से ले लेंगे। वैसे मैं बताऊँ तो ये इससे बढ़िया है अगर जो मैं ये लेता हूँ। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे होम स्क्रीन पे आता हूँ, डैट मैं यही जो है यही मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं और उसमें इंपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, इसको इंपोर्ट कर देते, छोटा कर देते इसको। ये हम उसको साइज मिला देते हैं इस तरह। तो यहाँ पर एक चीज़ हम करेंगे, एक और चीज़ यहाँ पर हम ले लेंगे YouTube का सिंबल, इम्पोर्ट कर लेते हैं फटाफट। ये भी मैंने जो है इरेज़ करके रखा है, इरेजर पे चलते हैं, यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पर ये ले लेते हैं इसको, और ये हम इस तरह से ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देते हैं वीडियो कैसे अपलोड करें। ठीक है, यहाँ पे पेंसिल पे क्लिक करके पेंसिल वीडियो, अच्छा वीडियो कैसे चढ़ाएं यूट्यूब पर, वीडियो कैसे चढ़ाएं। ठीक है, यूट्यूब पर वीडियो कैसे चढ़ाएं, ये ठीक है वीडियो यूट्यूब पर वीडियो, यहाँ पे वीडियो हिंदी देते हैं कैसे चढ़ाएं, यहाँ पे हम वीडियो को भी हिंदी में कर देते हैं। ठीक है, इसको ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। हाँ ये ठीक रहेगा, और इसको हम यूं कर देते हैं, ये ठीक रहेगा। ठीक है, देखिए अच्छा लग रहा है देखने में। वैसे इसको हम सिंबल को यहाँ भी लगा सकते हैं और इसको हम टॉप पे भी रख सकते हैं इस हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे मैं ए पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे फॉन्ट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे माय फॉन्ट, यहाँ पे खान
बोल्ट इस तरह से यहाँ पे हम इसको कर देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा, इसको यहाँ पे आके हम जो चीज़ करेंगे शेडो दे देंगे, शेडो, ठीक है। और यहाँ पे इनेबल, ठीक है। वीडियो कैसे चढ़ाएं, ये ज़्यादा ब्लैक अगर जो लग रहा है तो आप यहाँ पे बैक आके फॉन्ट, फॉन्ट नहीं, यहाँ पे आप शेडो पे इस नीचे वाले को कम भी कर सकते हैं। चलिए हम कम ही कर देते हैं नीचे वाले को, ठीक है। और इसको जो है आप इस तरह से शॉर्ट में लिख सकते हैं ये। और देखिए छोटा है, अच्छा है, थंबनेल देख सकते हैं आप, है ना। तो इस तरह से आप इसको आप चाहे तो यहाँ भी लगा सकते हैं, ठीक है। देखिए अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे अगर जो हम इसको एक और लेयर लेना चाहते हैं तो इस पर आप पेंसिल पे क्लिक करके यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। और मैं यहाँ पर लिखता हूँ फर्स्ट वीडियो, पहला वीडियो, है ना। चलिए फर्स्ट वीडियो मैं लिखता हूँ, और इसको हम यहाँ से थोड़ा सा रोटेट करके इस तरह से हम यहाँ पे इस तरह से लगा देंगे, ठीक है। फर्स्ट वीडियो। और इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं, हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं। कलर चेंज करने के लिए हम ए पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कलर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखते हैं कलर कौन सा जच रहा है। येलो देते हैं, बिल्कुल ठीक लग रहा है। इस पे हम शेडो पे जाएंगे, शेडो पे यहाँ पे इस तरह से हम शेडो देंगे यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से फर्स्ट वीडियो, है ना, बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखिए इस तरह से हमारा थंबनेल बन के जो है रेडी हो चुका है। थंबनेल बहुत ही अच्छा बना है, तो आप देख सकते हैं। इसको मैं चाहूँ तो थोड़ा बड़ा भी कर सकता हूँ, तो चलिए मैं थोड़ा इसको बड़ा करने की कोशिश करता हूँ इतना, ठीक है। तो नीचे वाला भी इतना ही होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं इस तरह से ये सेट हो गया मेरा। तो ये इस तरह से थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इसको, ये ठीक है इस हिसाब से। और यहाँ पे हम चीज़ क्या करेंगे, इस बीच वाले पे क्लिक करेंगे, कोई भी टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे, एक एरो ले आएंगे। ये एरो ले आया हमने, ये एरो ये फ्लिप कर देते हैं, हाँ ये ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से हम एक एरो ले लेंगे, यहाँ पे इस वाले पे क्लिक करके इस तरह से करेंगे, और इसको हम इनेबल कर देंगे स्ट्रोक। देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया वीडियो जो हम थंबनेल हमारा लग चुका है, बन चुका है थंबनेल हमारा। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं इतना, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे आप सेव एज प्रोजेक्ट करके इसको हम सेव भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं यूट्यूब थंबनेल लिख देता हूँ मैं, और उसके बाद आप क्या करेंगे, प्रोजेक्ट सेव करने के बाद यहाँ पे थोड़ा एड्स आएगा, इसको आप थोड़ी देर में बंद भी कर सकते हैं आप। तो इसको मैंने इस तरह से थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, यहाँ पे इसको बंद कर दे, फिर यहाँ पे सेव एज पे क्लिक करके सेव एज कर दे। ये मेरा थंबनेल बन गया। अब हम चलते हैं वीडियो की तरफ। तो यहाँ पे मेरा जो है थंबनेल बन के रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे हम पेंसिल पे क्लिक करेंगे, कस्टम थंबनेल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम वीडियो कैसे चढ़ाएं पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे डन पे क्लिक करेंगे, सब चीज़ रेडी है। अब उसके बाद यहाँ पे हम पब्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे इसको बैक कर देंगे, और हमने प्लेलिस्ट यहाँ पे ऐड कर दिया, प्लेलिस्ट, ठीक है। यहाँ पे हमने ये सब चीज़ रेडी है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और है, हमने ये पूरा चीज़ लिखा यहाँ से, देखिए यहाँ पे हमने सेव नहीं किया था, तो ये पूरा बैक सेव नहीं किया था, तो ये पूरा हट गया था, वो सेव करना ज़रूरी था, ठीक है। बस इतना कुछ करने के बाद, आप सब चीज़ देखने के बाद, ठीक है, यहाँ पे आप क्या करेंगे, जस्ट पब्लिक कर देंगे, ठीक है। तो आपका वीडियो जो है, अब मैं आपको दिखाता हूँ आपका वीडियो कैसे जो है चढ़ गया है यूट्यूब पर, ठीक है, दिखा देते हैं आपको। तो यहाँ पर देखिए आपका जो वीडियो यहाँ पे चढ़ चुका है, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में, ठीक है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से आपका वीडियो जो है आप देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जो भी नए यूट्यूबर हैं, न्यू क्रिएटर हैं।